बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर मैट्रिक और इंटर के छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। कुछ छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगा बिहार बोर्ड की तरफ से। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आखिर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने क्या बताया है। बीएसईबी मैट्रिक और इंटर एडमिट कार्ड 2022। बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 को लेकर सभी छात्र और छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कौन से छात्र को फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और इस बार मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले हैं तो तैयार खबर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पूरा अंत तक देखें, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 को लेकर यहां पर देखिए परीक्षा लेने की तिथि जारी कर दी गई है, ठीक है। मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी से है और इंटर का परीक्षा 1 फरवरी से है। अब यहां पर देखिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो बिहार बोर्ड से पल पल के अपडेट पाने के लिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दूं। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है और एडमिट कार्ड कुछ छात्रों का जारी नहीं होगा। बिहार बोर्ड ने उन सभी छात्रों को जो वार्षिक परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं और अभी तक परीक्षा फीस जमा नहीं किए हैं, उसी को लेकर बिहार बोर्ड ने बड़े कार्रवाई के साथ बताया है कि उन सभी छात्र और छात्राओं को जिनका परीक्षा फीस जमा नहीं है वो फटाफट जमा कर दें, ठीक है। अगर जमा नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। बिहार बोर्ड ने उन सभी छात्रों को प्रवेश पत्र जारी नहीं करेगा जितने भी छात्र बिहार बोर्ड के मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले हैं। वर्ष 2022 में वह अपने कॉलेज में जाकर के परीक्षा फीस को जमा करें यदि अभी तक जमा नहीं किए हैं तो, ठीक है। बिहार बोर्ड ने अभी सभी छात्रों को बताया है कि परीक्षा में प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। आपको बता दें कि वार्षिक परीक्षा 2022 में मैट्रिक व इंटरमीडिएट का परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट का परीक्षा में सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सिलेबस से पूछा जाएगा। यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले। बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए कि बिहार बोर्ड से जुड़ी अपडेट भी अपडेट सारी इंफॉर्मेशन सभी जानकारी आपको मिलता रहे सबसे पहले, ठीक है, कि सभी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जितने भी जो स्टूडेंट्स अभी तक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और मतलब अपना परीक्षा फॉर्म फीस जमा नहीं किए हो तो जाकर अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करके फीस को पैड कर दो। पैड करने से क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड जो है जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो है इसी महीने आप लोगों का जो है लास्ट वीक में जारी हो सकता है या अगले महीने जारी हो सकता है, यह भी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से आप लोग सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड या कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।